तो मैंने इसके लिए कुछ इंतजाम किया। अल्कोहल की कमी है ना। Hi guys, welcome back to Distance Between. मैं हूँ शुभम और मैं हूँ इस टाइम हिमाचल प्रदेश की मोस्ट पॉपुलर प्लेस मनाली में। मन नहीं था नहाने का, लेकिन मैंने सोचा कि नहा ही लेता हूँ। और ये नज़ारा आज भी कुछ वैसा ही है। जो प्रेडिक्शन थी कि आज स्नोफॉल होगी, लेकिन बादल है पर धूप भी है और धूप भी अच्छी खासी है। अब पता नहीं, स्नोफॉल आज तो लग नहीं रहा है, कल का देखते हैं क्या होता है। बाकी बाहर चलते हैं अब घूमने। इधर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्रिज गया है, इधर मनु टेम्पल है और इधर क्लब हाउस है। और बाकी ये पूरा ओल्ड मनाली का इधर एरिया दिख रहा है जो कि बर्फ से पूरा घिरा पड़ा है। ये नीचे जा रहा है ये रोड। ओके थैंक यू। पूरी वैली बर्फ से लदी थी और जल्द ही मैं मनाली के व्यास नदी के पास पहुंच गया जहां हर तरफ बर्फ थी। विंटर के टाइम में मनाली के क्लब हाउस की एक अलग ही ब्यूटी होती है। मैंने पिछले भी कई वीडियो में यहाँ का आपको व्यू दिखाया होगा, लेकिन इस बार आपको कुछ और दिखेगा। क्लब हाउस है ओल्ड मनाली में, एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। अंदर चलते हैं। जो टाइमिंग है 9 बजे से लेके इवनिंग 9 बजे तक है और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसा कि क्लब हाउस में है, यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, वो आगे अभी दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे बर्फ ये भरी पड़ी है और ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर आप कुछ कपड़े वपड़े ले सकते हैं। रेट्स आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाएंगे, जेन्युइन मिलेंगे। क्लब हाउस में जब मैं व्यास नदी के और करीब आया तो जहाँ रिवर क्रॉसिंग और जंपिंग एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ गर्मियों में ऐसा नज़ारा होता है जबकि विंटर में कुछ ऐसा था। बेस रिवर के अब बिल्कुल मैं करीब में आ गया हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मालूम नहीं है कि पैर कहाँ तक अंदर चला जाएगा, इसलिए ये आप देख रहे होंगे। बाकी व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे बहते हुए बेस रिवर को देखना सच में खूबसूरत होता है और यहाँ पे अब खूब सारी फोटोज क्लिक होगी। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे क्लब हाउस में आए थे और रितेश को यहीं से जा रहा था तो टॉयलेट आ गई थी, और टॉयलेट नंबर 1 वाली नहीं, नंबर 2 वाली आई थी। तो मैंने इसके लिए कुछ इंतजाम किया है। कैसा लग रहा है? पूरा मैंने प्रॉपर बना दिया है, अब आप जा सकते हैं। और इसका कहना है देखने के बाद इसकी बंद हो गई। मनु टेम्पल से लगभग 200 मीटर पहले ही मुझे एक जगह दिखी है जहाँ पे आप देख रहे होंगे मंथली रेंटल पे भी आप रुक सकते हैं, जहाँ पे 15,000 रुपीज़ में एक पर्सन के लिए है और 18,000 रुपीज़ में दो पर्सन के लिए है। रूम्स है और डॉर्मेट्री 6,000 रुपये के हैं, तो मतलब मंथली भी अगर आप रहना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रूम्स वगैरह बाकी कैसे हैं और क्या अटैच बाथरूम वगैरह हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बाथरूम भी पूरा मिल जाएगा 15,000 रुपीज़ में, और 4 बेड की डॉर्मेट्री है तो ये भी देख सकते हैं आप। इसमें बाथरूम अटैच्ड ही है, हालांकि जो भी 4 लोग रहेंगे वो कॉमन उनके लिए रहेगा, और रेट वही है 6,000 रुपये मंथली और 600 रुपये पर डे का। कुछ रूल्स वगैरह भी हैं यहाँ के। यहाँ पे ये रूफ टॉप पे है, आराम से यहाँ पे बैठ के इवनिंग में या फिर दिन में किसी भी टाइम आप आराम से बैठ के यहाँ खाना पीना भी कर सकते हैं। और व्यूज़ की बात अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके सामने है जो भी है। हालांकि मैंने यहाँ पैकेज लिया था जिससे होटल भी मुझे एक तरह से एक नाइट का 800 से 900 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स विद ब्रेकफास्ट डिनर पड़ा था। और अगर आप भी पैकेज के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और मनाली में शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो पैकेज ही आपके लिए बेस्ट होता है और आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं।
आज सबसे पहले मैं निकला बाइक को हायर करने। मनाली की ट्रिप में इस बार थोड़ा मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। अब कार से तो यहाँ पे घूम लिए हैं, तो आज मैं बाइक यहाँ पे हायर कर ले रहा हूँ। और ये मैंने लिया है आज यहाँ पर मेटोर, और इससे चलते हैं, इससे ट्रिप करते हैं। और आगे इसके खर्चे वगैरह भी मैं बताऊंगा। बाकी बाइकर्स पॉइंट मनाली से मैंने लिया है, और आप भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये कस्टमाइज वाली ट्रिप में सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है इस बार। मनाली से लगभग 23 किलोमीटर की दूर पे है नग्गर कैसल, और वहीं पे मैं जा रहा हूँ। कभी मैं गया नहीं हूँ, इस बार जाता हूँ, देखता हूँ। ठंड है इसलिए ये। नग्गर का ये रास्ता कहीं खराब है तो कहीं अच्छा, लेकिन बर्फ में आप बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाएं। नग्गर के रोड पर अभी मैं रुका हुआ हूँ। एक जो सामने रोड जाती है जो दिल्ली वाली, वो भी बीच से अब पुल से इधर आ सकते हैं। और एक ये रोड तो है ही, ये वाली रोड लोग प्रेफर करते हैं जाने के लिए। और बाकी रोड पे बर्फ तो है ही, और बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है। और अगर आप चला रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, वैसे हमेशा बर्फ़ नहीं रहती, अभी कुछ ज़्यादा हो गई है इस वजह से ऐसा है। बाकी नॉर्मल सीज़न में अगर आप जाएंगे तो आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है तो पूरा हर जगह ही अच्छा लग रहा है। इन रास्तों पर धीरे धीरे बर्फ कम हो रही थी और रास्ते की खूबसूरती बदल रही थी। और आसपास में एप्पल की ट्री थे, जिनमें जून जुलाई में आपको काफी एप्पल्स भी लटके हुए दिखाई देते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ा तो पाइन ट्रीज भी देखने को मिले और वॉटरफॉल भी। थोड़ा आगे और बढ़ने पर एक प्यारा सा शिव मंदिर भी देखने को मिला। और इन्हीं सब नजारों के साथ लगभग 2 घंटे में मैं नग्गर पहुंच गया। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये नग्गर का एरिया है, मतलब ये पूरा नग्गर गांव कह सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये 2 रोड जा रही है, एक रोड इधर जा रही है और एक ये वाली रोड आपको नग्गर कैसल तक पहुँचा देगी। और फिर थोड़ा ये मतलब चढ़ाई पर है यहाँ से। और बाकी आप चाहें तो यहाँ पे बस से भी आ सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कुल्लू की बस, पतली कुहल की बस, नग्गर होते हुए आप पूछेंगे हिमाचल के बस स्टैंड पे तो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ के लिए भी बस आपको मतलब यहाँ के लिए मिल जाएगी, और डायरेक्ट नग्गर तक आप पहुँच जाएंगे इस बस से। नग्गर कैसल हाइट पर है और यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपए है, और इसकी बिल्डिंग देखकर हिमाचल की पुरानी इमारतों की याद आ गई। नग्गर कैसल का ये जो एरिया है, यहाँ पर इस आंगन में आपको इधर साइड में अगर देखेंगे तो ये रेस्टोरेंट पूरा बना हुआ है। और ये जो इधर पूरे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रूम्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे डिलक्स है, स्वीट है, मतलब सब तरह के रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये पूरा जो आंगन है इस कॉम्प्लेक्स में आपको रूम दिखेगा। और इधर जब आप आते हैं तो यहाँ पे पूरा व्यू आपको वैली का शानदार दिखेगा। 1460 में होना, 600 साल पुराना है। अच्छा, खास बात क्या की विदाउट मिट्टी सीमेंट के बना, कोई मिट्टी नहीं है, सीमेंट नहीं, लोहा सरिया नहीं है। अच्छा, वुड एंड स्टोन ओनली, लकड़ और पत्थर का बना है। अच्छा, हाँ जी, 600 साल से ऐसे ही खड़ा है। कौन राजा ये बनवाए थे? राजा सिद्ध सिंह। अच्छा जी, बेसमेंट में एक म्यूजियम है और एक टेम्पल है अंदर। अच्छा, आप टेम्पल को देखोगे ना, दरवाजे में एक जाली लगा है। अच्छा, जाली से देखना, उसमें एक बड़ा पत्थर है 5x8 का। अच्छा, उसको मधुमक्खी ले गई है। वाह, नेहरू कुंड, नेहरू कुंड देखा है वहाँ से यहाँ स्थापित किया है। अच्छा, हाँ जी, उसी की पूजा होती है। नग्गर कैसल में टेम्पल के अलावा रेस्टोरेंट, पुराने रूम्स और यहाँ से खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। अच्छा, कई मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है, जैसे कि हंगामा 2। अच्छा, वाइल्ड डॉग नागार्जुन की। अच्छा, बद्रीनाथ अल्लू अर्जुन। अच्छा, जब वी मेट द हीरो
बैंक बैंक ट्यूबलाइट अब तुम्हारे हवाले, वतन साथी हो तेरे नाल लव हो गया, नोटी एंड फोटी रोजा बरसात माची। वाह क्या बात है, बहुत शूटिंग होती है। नग्गर कैसल का स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत है, जहां आप कई सारी प्यारी फोटोज शूट करवा सकते हैं, और यहां रहने की भी सुविधा है, जहां अभी इन रेट्स पर भी 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अब एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं कि यहां पर बाइक मैंने कितने में हायर की है। ये मैंने ली है मेटियोर 350, मतलब 350 cc का इंजन है इसका, और एनफील्ड की गाड़ी है, और इसका लगभग आपको देना पड़ेगा 1200 से 1500 की रेंज में ये मिल जाएगी। सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बाकी हेलमेट वगैरह साथ में मिल जाएगा, डीएल आपके पास होना चाहिए, और एक आधार कार्ड आईडी प्रूफ कुछ आपको देनी पड़ेगी। सो ये गाड़ी इतने की मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर स्कूटी भी ले सकते हैं, हिमालयन वगैरह भी ले सकते हैं। तो लगभग 600-700 रुपये से स्टार्ट हो जाती है रेंज, और लगभग 1500 तक जाती है, और उसमें सभी तरह की मैंने जो बाइक रेंटल के लिए शॉप बताइए वहां पे आप जाकर ले सकते हैं। फ्रूट वाइन है या फिर मतलब अल्कोहल है इसमें? कितना होता है? 11.4 विदाउट अल्कोहल। मैंने यहाँ पे एक माल्ट बियर ले ली है, और ये नॉन अल्कोहलिक है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, और इसका टेस्ट मैं करके बताता हूँ। मनाली में कई बार आया हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये सब बॉटल है जो है 500 की, और अलग अलग रेट है यहाँ पे, अलग अलग फ्लेवर में, इसको टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट कुछ अलग टाइप का है, मतलब क्या बताऊँ मैं, बियर कभी पिया नहीं हूँ, मालूम नहीं और थोड़ा सा मतलब बियर की स्मेल जो होती है उस टाइप में थोड़ा सा लगेगा, तो ट्राई कर सकते हैं थोड़ा। ये भी बहुत महंगा भी नहीं है, 80 rupees का है, बाकी अल्कोहलिक करना है तो ये सब भी नया नया चीज़ें ट्राई करें। यहाँ क्लब हाउस के पास दुकानें हैं कई सारी, वहाँ आ सकते हैं। अल्कोहल की कमी है ना, अल्कोहलिक लोगों को नहीं पसंद आएगा यहाँ पे, उनके लिए ये वाली है 500-500 rupees वाली, और कम में भी रेंज में होगी ना। ये सब कितने में? 450 अच्छा, छोटी बॉटल में भी आती है, छोटी बॉटल में 250 चलो 250 में भी है, तो सब अवेलेबल है, आप ले सकते हो। तुमको अल्कोहल पिलाएंगे, डोंट वरी। लोकल्स का ये है बढ़िया एकदम। अरे माशा, क्या गजब का है यार ये, तो एकदम मतलब बड़ा क्यूट है यार, छोटू सा एकदम। यहाँ वालों के एकदम क्या ऐसे ही होते हैं, ढेर सारे बाल होते हैं, भगवान इनको नेचुरली। अरे 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 मनु टेम्पल से अब कुछ ही दूर पे पड़ गया है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, और इस बार जो ट्रिप मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं पैदल ही घूम रहा हूँ सब जगहों पे, तो अभी मुझे देखने को मिला है ये यहाँ का एक घर छोटा सा, जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा लकड़ी की नक्काशी है, और पुराने ज़माने का है, और ग्राउंड फ्लोर जो है और फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दूरी नहीं है, और बर्फ़ यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है, और प्यारा लग रहा है बहुत इस टाइम। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये याक भी बैठा हुआ है, अमेजिंग है। मनु टेम्पल में मैं पहुँच चुका हूँ, और ये रहा वो गेट, भगवान ने मुझे यहाँ पर आई थिंक चौथी बार बुलाया है मनु टेम्पल में, और इस बार है बर्फीला नज़ारा जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बहुत प्यारा लग रहा है। आपका कुछ फेस्टिवल है क्या यहाँ पर? क्या फागली? ओके, यहाँ से मॉल रोड पहुंचा, तो यहाँ पिछली वीडियो की तरह बर्फ नहीं थी। मनाली की मॉल रोड पर हमेशा ही रश रहता है, बर्फ वगैरह जो थी वो अभी गल गई है, और बाकी यहाँ पर फिर भी लोग अब देख रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट वॉक कर रहे हैं, और मज़े ही मज़े हैं मॉल रोड के।
सो मनाली की वीडियो आपने देख ली होगी और देखने के बाद एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर मैंने प्लेसेस थोड़ी कम कवर की है। उसका रीज़न साफ है क्योंकि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई थी और कुछ प्लेसेस जैसे जोगनी वाटरफॉल और वशिष्ठ टेम्पल ये प्लेसेस क्लोज थी और जो भी प्लेसेस मैंने कवर भी की है वो पैदल ही कुछ प्लेसेस कवर करनी पड़ी है। उसका रीज़न आप जान रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी। तो जब भी आप विंटर के टाइम में जाएं सबसे ज़्यादा बर्फबारी जनवरी और फरवरी में देखने को मिलती है और जनवरी फरवरी में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप मान के चले कि लोकल प्लेसेस ही कवर कर पाएंगे जैसे कि डिम्बा देवी टेम्पल, मनु टेम्पल, क्लब हाउस, हिमालयन नेचर पार्क, तिब्बतन मोनेस्ट्री, मॉल रोड, ये सारे प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं और ये भी तैयार रहें कि आप पैदल आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ कई बार फंस जाती हैं। और इनमें ये जो प्लेसेस कवर करने के लिए आप 2 से 3 दिन अपने पास रखें, 3 दिन मेरा मानना है कि आपको रखने चाहिए जिसमें आप 2 दिन तो ये प्लेसेस कवर कर लें और 1 दिन सोलांग वैली के लिए रख लें क्योंकि सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत होता है जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप देख सकते हैं और इस बार भी मैंने कवर किया है। सो बहुत खूबसूरत हो जाता है ऐसे विंटर के टाइम में और ज़रूर जाए वहाँ पर। तो सोलांग वैली के लिए 1 दिन रखे, जैसे कि 2 दिन ऐसा था जब बर्फ की वजह से सोलांग वैली भी क्लोज हो गया था तो 3रे दिन ओपन हुआ तो 3रे दिन मैं वहाँ पे भी जा सका। तो इस तरह का आप कुछ प्लान बना सकते हैं 3 दिन का। और मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क बढ़िया होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्नोफॉल की वजह से प्रॉब्लम हो। हाँ, कुछ बजट आप अपने साथ एक्स्ट्रा रखें क्योंकि हो सकता है बस आपको पहले ड्रॉप कर दे और आपको प्रॉब्लम हो पहुंचने में और उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो ये सब बजट कुछ एक्स्ट्रा भी आपको रखना पड़ेगा होटल तक पहुंचने के लिए। और होटल प्रेफर करें कि मॉल रोड के पास में ही हो। अब यहाँ पे खर्चे क्या हो सकते हैं विंटर के टाइम में आपके, वो भी मैं बता देता हूँ कि जैसे होटल अगर आप लेते हैं तो होटल आपको 1,000 या 1,200 या 1,500 तक मिल जाएगा ब्रेकफास्ट डिनर के साथ में। 1200 से 1500 कंसीडर करके चलता हूँ मैं, तो ये आपके 2 एडल्ट्स के हो जाएंगे। अब मील्स की बात कराया जाए तो मील्स में आपके लगभग हो सकते हैं 700-800 रुपये के खर्चे हो सकते हैं पर डे के, क्योंकि थोड़े कॉस्टली यहाँ पे होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में आपके अभी अगर बात की जाए, अगर आप चाहें तो पैदल भी कवर कर सकते हैं लेकिन अगर आप कार वगैरह से करना चाहते हैं तो 1,000 से 1,200 आपका 1 दिन का लोकल साइट सीन का लग जाएगा। तो और आप जाते हैं सोलांग वैली तो उसकी भी लगभग 1,200-1,300 रुपये इतने खर्च हो जाएंगे। तो अगर टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे लगभग आप मान के चले 3 नाइट का, मैं मान के चल रहा हूँ तो 3 नाइट का पर पर्सन पे अराउंड 5,000 से 6,000 रुपये खर्च आ ही जाएगा। अब इसमें अगर आप दिल्ली से मनाली तक का जो वॉल्वो का खर्चा है वो भी जोड़ लेंगे तो ये खर्चे लगभग 2,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, मतलब 7,000 तक का पर पर्सन का खर्चा हो सकता है अगर आप प्रॉपर घूम रहे हैं तो। बाकी आप चाहें तो पैकेज भी ले सकते हैं। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लगभग विंटर में जा रहे हैं तो आप मान के चले 6,000-7,000 के आसपास पर पर्सन का खर्चा आ सकता है 3 दिन का। और यहाँ पर मज़ा बहुत आएगा, बहुत बर्फ देखने को मिलेगी और ये बेस्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से मनाली का। सो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप 99 रुपीज़ की ट्रैवल कंसल्टेंसी फ़ी पे करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक है उस पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए आइटनरी और बजट और सारी डिटेल जो छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो। तो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।